हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोटो को गूगल फोटोज से गैलरी में लाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल फोटोज से हम गैलरी में फोटो कैसे ला सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गूगल फोटोज से अपने फोटो को गैलरी में कैसे ला सकते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल फोटोज को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे मेरे फोटो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें से काफी सारे फोटो जो है वो हमारे गैलरी में नहीं है। इसका कारण ये है कि वो जो फोटो है वो गैलरी से डिलीट हो गया है, लेकिन वो फोटो हमारे गूगल फोटोज पे अपलोडेड है, इसलिए यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फोटो है। अब ये फोटो हमारे गैलरी में नहीं है अभी फिलहाल और यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये फोटो गूगल फोटो पे अपलोडेड है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला आप फोटो देख लीजिए, गैलरी में आपको दिखा देता हूँ। गैलरी ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फोटो यहाँ पे आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। एल्बम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड में कहीं भी वो फोटो दिखाई नहीं देगा, देख सकते हैं। अभी उसे गैलरी में कैसे लाना है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए गैलरी को बंद करते हैं और गूगल फोटोज पे वापिस से चलते हैं। देख सकते हैं यही है वो फोटो है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिंपल सा ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी ये जो फोटो है वो आपके फोन में सेव होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही डाउनलोड होगा वो आपके गैलरी में दिखाना शुरू कर देगा। देख सकते हैं ये अभी गैलरी में सेव हो गया है। तो अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और चलते हैं गैलरी में और देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी में वो फोटो जो है वो आ गया है। तो यही तरीका होता है और इसी तरीके से आप भी किसी भी गूगल फोटोज के फोटो को गैलरी में ला सकते हैं।